और भाई लोगों क्या हाल चाल है, मतलब फुल पावर ही होनी चाहिए। आज का जो मुद्दा है काफी गंभीर मुद्दा है माँ के ऊपर, जो बंदे छोड़ देते हैं माँ को, है ना। और आज बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत सारी फोटो डाली है माँ का, माँ के लिए अच्छी बात है, अपना प्यार जाहिर किया है, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग केम चमत्ना मजामा फुल पावर फुल एंजॉय मा फुल पावर फुल एंजॉय में। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया, सब चंगा, सब कुशल मंगल होने चाहिए। बाकी आज क्या है, मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे जो भी माएँ देख रही हैं, हैप्पी मदर्स डे। आप हमेशा खुश रही हैं, माँ माँ का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता। तो कुछ करते हैं आज मम्मी के लिए, है ना। तो माँ ना तो माँ ही है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। तो यही है सिस्टम, बाकी देखते हैं। आज दोस्त के साथ जाना है गुलर भोज, तो ऐसी है सिस्टम। बाकी अभी चाय वाय पी रहा हूँ, अभी नहाऊंगा धोऊंगा फिर मिलूंगा आपको, ठीक है। तो कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं माँ की, है ना। तो दिखाऊंगा नहीं, मतलब कुछ बनाएंगे, है ना, माँ के ऊपर। अगर कुछ अच्छा आया इस दिमाग में तो बनाएंगे पक्का, बाकी देखते हैं। और भाई लोगों क्या हाल चाल है, मतलब फुल पावर ही होनी चाहिए। आज का जो मुद्दा है काफ़ी गंभीर मुद्दा है माँ के ऊपर, जो बंदे छोड़ देते हैं माँ को, है ना। और आज बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत सारी फ़ोटो डाली है माँ का, माँ के लिए अच्छी बात है, अपना प्यार जाहिर किया है, बहुत अच्छी बात है, है ना। जो जैसे प्यार करता है ना, प्यार सब करते हैं, पर ऐसे क्यों होता है जो माँ को छोड़ देते हैं, है ना। भाई ये मुद्दा बहुत गंभीर है, लेक्चर बहुत लंबा जा सकता है, जिसे इच्छुक देखना चाहता है वो यहाँ रुक सकता है, बाकी जो नहीं देखना चाहता वो यहाँ से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और मुझे ज़्यादातर जो देखते हैं यंग लोग देखते हैं 18 से 24 साल की, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा मुद्दा है कि करो भाई, ऐसे क्यों होता है। माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी लाना, मम्मी यार मैं नहीं कर रहा यार, ऐसा ये सिस्टम है यार, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, यार बहुत खतरनाक चल रहा है सिस्टम, ये क्यों होता है। माँ पढ़ाई के समय कभी नहीं कहेगी कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी पिलाने में क्या है। अब तुम कह दो मम्मी से, मम्मी मुझे गिलास पानी चाहिए, मम्मी भागते हुए जाएगी और पानी लेके आएगी कि मेरे बेटे को प्यास लगी, मेरी बेटी को प्यास लगी है, होता नहीं होता, होता है ना। ये रियलिटी वाली बातें कर रहा हूँ। और मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, बाबा के पास गई थी, वो एनजीओ चलाते थे जो माँओं को छोड़ देते हैं। भाई क्यों छोड़ देते हो, है ना, क्यों छोड़ देते हो, क्या मुद्दा है छोड़ने का। वो कह रही थी माँ कि मेरी बहू ने मुझसे लड़ाई की और मेरे बेटे को बताया और मैं निकाल दिया, और वो बाबा के पास गई थी कि मुझे रख लो अपने पास, क्यों हो रहा वो आए। तो भाई जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, फिर तुम उसे छोड़ देते हो, ये कोई बात तो ही बताओ। मुद्दा है नहीं है, गंभीर मुद्दा है भाई। तो 3 टाइम की रोटी खिला दो बढ़िया करके, क्या होगा, कुछ कुछ नहीं होगा भाई। माँ है ना, माँ जैसा कोई और नहीं मिलेगा भाई। कर्म जैसे करोगे ना भाई, कर्म वैसा फल मिलेगा। सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा, देख लेना, सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। तो भाई कर्म जैसे कहते ना, कर्मा इज बिच, बहुत बिच है कर्मा, ये रियलिटी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, तो प्लीज़ माँ की सेवा करो, माँ को खिलाओ पिलाओ जितना हो सके उतना करो भाई, है ना। क्योंकि देख हर किसी की अपनी लाइफ है यार, कोई बिजी होता है, कोई जॉब करने जाता है, कोई कुछ करना चाहता है, पर जितना हो सकता है उतना करो,
क्योंकि माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया यार, जैसे आपको पता ही है ना। तो यही है आज का मुद्दा, है ना, गंभीर मुद्दा है, सोचना इस बारे में, है ना। तो भाई प्लीज मत छोड़ा करो अपनी माँ को भाई अकेले, कभी उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा होगा, कोई भी कठिनाइयाँ होगी, कुछ भी होगा, कुछ भी चीज़ चाहिए होगी, वो जहाँ से भी लाके देगी देगी। बट ऐसा क्यों हो रहा है बहू? तो भाई जो बहू ऐसे कहती होगी ना भाई कि तेरी माँ ऐसा है, वो बहू बहुत खतरनाक है, उससे बच के उसे समझाओ, नहीं समझे तो मारो, मार भी नहीं सकते भाई, क्योंकि आजकल लो अपनी लो ही इतनी खतरनाक हो चुकी है, वो तो आरोप लगा देगी कि अगर मारा तो मुझे दहेज के चक्कर में ऐसा मारा, आजकल हो रहा है ज़्यादातर कि आज दहेज भी ले जा रहा है और मारा पीटा भी, बहुत हो रहा है ऐसा केस। बट जो माँ को छोड़ने का जो छोड़ दे रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, अगर मारेंगे पीटेंगे तो केस लगा देगी, करवा देगी, अंदर ठप्पा लगवा देगी। तो यही है, बाकी सेवा करो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो यह है हकीकत बात है। बाकी जैसे भी आपको ये वीडियो लगती है तो आप शेयर कर सकते हो, है ना, और आगे बढ़ा सकते हो इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं करना चाहता नहीं भी कर सकता इस, देखो थोड़ा मोटिवेशन लो, नहीं मिलती है तो तभी भी ठीक है, मिलती है तो तभी भी ठीक है। तो ठीक है, मुझे जाना है अभी भाई के साथ गुलर गोज, उसकी मौसी की माँ, तो रास्ते में आपको मिलते हैं भाई लोगों। हम जा रहे हैं गुलर भोज भाई के साथ, भाई की मौसी रहती है फाटक जी, गैंगस्टर आज का गैंगस्टर मुझे भाई का बोल पावार बोल पावार बोल, लुक चल रहा भाई का, ओ गिर ना जाए फोन, बड़ी मुश्किल से तो मिल रहा है, ये भी गिर गया तो काम हो जाएगा, मतलब ठीक है आपको रास्ते में मिलेंगे, छोटी छोटी क्लिप बनाएंगे 1 सेकंड। ओके भाई, रास्ता जा रहा है गुलर भोज डैम, यहाँ लोग घूमने आते हैं, मतलब पर्यटक टूरिस्ट स्पॉट है ये, देखो पानी आ रहा है, ऊपर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, पहाड़े की हमारे साथ, और काफ़ी टूरिस्ट है भाई यहाँ, पहले नहीं था, आज से अभी नया नया इसका उद्धार किया हुआ है, ओ यहाँ से जाना अलाउड नहीं है ब्रो, अलाउड नहीं है। और यहाँ से हमने वो ले लिया शॉर्टकट छोटा सा, और हम डैम के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं एकदम फुल पावर, टूरिस्ट टूरिस्ट है। आज से कुछ सालों पहले जब आते थे हम यहाँ, देखो गाड़ियों की संख्या देखो, आज से कुछ टाइम पहले आते थे कोई नहीं होता था, अभी इसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया है ना कुछ टाइम पहले, 2019 की बात है ना भाई, 19 में इसका वो करा, और ये व्यू लो पूरा समुंदर का, बोटिंग होती है, और आपको टीचर्स की बोतल भी गिरी हुई मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शॉर्ट्स लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। ये